प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना आपको। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आदर प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना उद्गार अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी। आज गुरुवार के रोज एक बहुत अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रोग्राम। गुरु ग्रह कुंडली के किन किन लग्नों और राशियों में प्रशासनिक अधिकारी विद्वान और भाग्यशाली बनाता है। जिसके कुंडली में लग्न में धनु राशि हो, उसमें गुरु अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, धनवान होते हैं, गुणवान होते हैं, राजयोग कारक भाग्यशाली होते हैं। इसके कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि हो और उसमें गुरु अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग राजा के समान जीवन जीते हैं, पूर्ण भाग्यशाली होते हैं। इनके भाग्य हमेशा साथ देते हैं, प्रत्येक इच्छाओं की इनकी पूर्ति होती है स्वतंत्र विचार के। जिसकी कुंडली में पाँचवें भाव में सिंह राशि बैठा हुआ हो और उसमें गुरु अगर बैठा है, ऐसे लोग विद्वता में पूर्ण प्राप्ति विद्या पूर्ण प्राप्ति करते हैं, आईएएस आईपीएस न्यायाधीश बनते हैं, देश समाज में इतिहास पैदा करते हैं, प्राप्त करते हैं, इनको कोई कमी नहीं होती। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मीन राशि हो और उसमें अगर गुरु बैठा हुआ है, क्या बात है, ऐसे लोग पूर्ण लक्की होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग संसद विधायक मंत्री बनते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में मेष राशि हो और उसमें अगर गुरु बैठा हुआ है, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग दानी होते हैं, उदार होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। ऐसे लोग अपने कमाए हुए धन को धार्मिक कार्य में व्यतीत करते हैं, राजा के समान इनका भविष्य होता है। ये सामाजिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, उदार होते हैं, दयालु। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर लीजिए। कोई मित्रगण अपने कुंडली का विशेष विवेचन मुझसे करवाना चाहता है तो हमारे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम को जान जाइए, नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। आप लोग के यादगार आप लोग के सहयोग के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।